नमस्कार दोस्तों, नटराज फ्रॉड वालों की इतनी शिकायतें आ रही है, इतने मुझे कॉल आ रहे हैं। मन में मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं इन लोगों के बारे में। लोग कहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, मैं क्या एक्शन लूं इसके बारे में। देखो, पुलिस इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, अगर आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट डालते हैं तो ही कुछ हो सकता है। इसलिए मैं आपसे प्लीज, जो जो ये वीडियो देख रहा है अभी, अगर आपके पास नटराज वाले किसी बंदे का कॉल आता है, फेसबुक से आपने नंबर देखा है, व्हाट्सएप पे मिला है, इंस्टाग्राम से कहीं से भी आपको कोई भी नंबर मिला है, उस नंबर को ट्रू कॉलर में जाके, अगर आपके फोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल है, उस नंबर को ट्रू कॉलर में जाके ब्लॉक मारिए, स्पैम कीजिए, कुछ भी कीजिए। क्योंकि अगर आप 50-60 लोग या 100 लोग एक नंबर को स्पैम करते हैं, ट्रू कॉलर पे ब्लॉक मारते हैं, तो वो जो नंबर है वो रेड पट्टी में इस तरीके से दिखाई देने लगता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे अगर स्पैम मारेंगे या फिर उसको ब्लॉक कर देंगे तो धीरे धीरे ये ब्लॉक में दिखाने लग जाएगा। और अगर होता यूं है कि ट्रू कॉलर पे हमारे पास कोई कॉल आता है, अगर वो रेड पट्टी का नंबर है तो ये समझ लीजिए फ्रॉड है। अगर आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, अपने नंबर के साथ में उसे एक्टिवेट कर लीजिए। आपके पास कोई भी अनजान फर्जी इस तरीके का कॉल आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये किस बंदे का नंबर है। ब्लू पट्टी है, आदमी सही है, ठीक है। अगर रेड पट्टी उस ट्रू कॉलर पे आती है इस तरीके की, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ब्लू पट्टी पे आदमी मतलब सही होता है और रेड पट्टी आती है तो ये फ्रॉड कॉल है। ऐसे कॉल्स को उठाया ही मत करो, हर तरीके का ये फ्रॉड कॉल आते हैं तो इन लोगों को उठाना बंद कीजिए। चाहे आपके बैंक की तरफ से आते हैं, चाहे कहीं मर्जी तरफ से आते हैं, अवॉइड कीजिए ऐसे नंबरों को। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरीके की पुलिस की धमकी देते हैं, केस करने की धमकी देते हैं, तो बिल्कुल डरना नहीं, कुछ भी नहीं केस करेंगे। उनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए, व्हाट्सएप पे उनको ब्लॉक कर दीजिए। 3-4 दिन वो आपको परेशान करेंगे, कॉल करेंगे, और अनजान फोन मत उठाइए, उसके बाद में वो आपका पीछा छोड़ देंगे। तो यही उनकी स्ट्रेटेजी होती है, इसी तरीके से वो लोगों को परेशान करते हैं। और आप जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि वो लगभग एक दिन में 1 से 1.5 लाख रुपए मतलब लोगों से फ्रॉड मनी के रूप में वसूल लेते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को ब्लॉक कीजिए, ट्रू कॉलर पे ब्लॉक कीजिए। हर तरीके से जैसे आपको ब्लॉक करना आता है उस तरीके से ब्लॉक कीजिए, ताकि ऐसे नंबर जो लोगों के कॉल है और लोगों के पास नहीं जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई ऐसा वीडियो आता है जो आपके लायक काम हो, फ्रॉड काम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, असली काम, अच्छा काम, ऐसा काम जो आपके लायक हो, जिसमें आपको कम से कम जो पर्सनली इन्वेस्ट करनी पड़े, किसी को पैसा देना ना पड़े, ऐसा काम होगा तो मैं जरूर अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं इन चीजों के ऊपर सर्च कर रहा हूं, अच्छे अच्छे से काम आपके लिए लेकर आऊंगा आगे भविष्य के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल, थैंक यू। एक बात और करना चाहूंगा, ऐसे लोगों का जो नंबर है आप ट्रू कॉलर के अंदर ही जो फ्रॉड है, स्कैम है, इस तरीके से सेव कर दीजिए। उस चीज का भी बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप इस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर ऐसे नामों से सेव कर लेते हैं तो ट्रू कॉलर पे भी लोगों के पास इस तरीके से नाम ही इनके जाएंगे, तो इस तरीके से लोगों को भी पता चल जाएगा भाई ये फ्रॉड है या स्कैम है। तो नंबर सेव करना मत भूलिए, इन लोगों का नंबर फ्रॉड, स्कैम या कुछ भी, मतलब कुछ भी नाम से सेव कर दीजिए इन लोगों का नंबर। थैंक यू।